हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल राहुल सरदायक त्रिवेदी। तो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग फिर से एक एमसीक्यू करेंगे और ये लास्ट एमसीक्यू है इस सेशन का। इसके बाद हम लोग अगले चैप्टर यानी रिस्पायरेशन इन प्लांट में आगे के एमसीक्यू करेंगे। तो चलिए बिना टाइम बर्बाद किए स्टार्ट करते हैं आज का एमसीक्यू। सारी बातें आपको पता हैं। यहाँ पर क्या होगा कि एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आएगा, आपको कमेंट बॉक्स में अपना आंसर टाइप करना है अपनी स्किल को चेक करने के लिए। 30 सेकंड के बाद उस क्वेश्चन का आंसर मैं बताऊंगा, सॉल्यूशन बताऊंगा, फिर आप अपने आंसर को स्वयं चेक करेंगे। तो चलिए बात को स्टार्ट करते हैं। अब ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, पेपकेज एंजाइम इज, पेपकेज एंजाइम इज absent in mesophyll cells, present in bundle of seed cells, both A and B, none of these. पेप्टिड एंजाइम है मेसोफिल कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है, बंडल present in bundle of seed cells, फूल आच्छाद कोशिकाओं में पाया जाता है, बोथ ए एंड बी, दोनों में, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। आंसर टाइप करें बेटा, जल्दी से अपना आंसर टाइप करें। देखो बेटा, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। आप सबसे पहले तो हम बात करें पैकेज एंजाइम की, तो यहां पर हम मेसोफिल सेल्स और दूसरी तरफ बात कर लेते हैं बंडल ऑफ सीड सेल की। और उसके पहले भी एक बात के आप पर समझो कि पेप्टिड एंजाइम जो है, अगर हम पर्टिकुलरली यहां पर पेप्टिकेज एंजाइम की बात करते हैं तो ये एंजाइम C4 का है, C4 प्लांट में पाया जाता है। अब मेसोफिल सेल्स में क्या लिख रहा है कि अब्सेंट पेप्टिकेज प्रेजेंट इन मेसोफिल ऑफ C4 प्लांट। अब्सेंट इन बंडल ऑफ सीड सेल्स, इसमें अब्सेंट होता है, इसमें हमेशा प्रेजेंट होता है। अब अपनी बात को अपन प्रूफ करेंगे क्यों होता है। देखो जल्दी जल्दी मत भागो, जल्दी जल्दी भागने के चक्कर में नंबर नहीं आते कभी, पूरी बात को समझो। पेप्टिड एंजाइम जो होता है ये क्या करता है, ये पीईपी प्लस CO2 को आपस में जोड़ करके यहां पर पेप्टिड लगता है कार्बोक्सिलेशन की पहली रिएक्शन और बनाता है ऑक्सिलो एसिटिक एसिड। यहां पर क्या होता है, यहां पर रुबिस्को होता है क्योंकि यहां पर कंप्लीट होती है C3 साइकिल। अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं, बात तो तुम समझ गए। प्रेजेंट पेप्टिड प्रेजेंट इन मेसोफिल, तो यहां पे क्या लिखा, अब्सेंट आंसर नहीं होगा। प्रेजेंट इन बंडल ऑफ सीड, तो बंडल ऑफ सीड सेल्स में रुबिस्को होता है, पेप्टिड नहीं होता है, तो बोथ ए एंड बी हो गई नहीं। आंसर इसका आएगा बेटा डी। चलिए
बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में केल्विन साइकिल टेक प्लेस इन खाली जगह इन ऑल C3 प्लांट्स इन फिर से खाली जगह इन ऑल C4 प्लांट्स। तो बेटा आपको इनमें से जो नीचे ऑप्शन दिए गए इनमें से यहां पर फिल करना है। NCERT की लाइनें हैं ये, पेज नंबर 219 इजी मोड का क्वेश्चन है। जल्दी से देखिए क्या होगा इसका आंसर। ध्यान दीजिए, केल्विन साइकिल टेक प्लेस इन केल्विन साइकिल हमेशा मीसोफिल सेल में कंप्लीट होती है, क्योंकि केल्विन साइकिल बराबर C3 साइकिल। ठीक, दूसरा क्या कह रहा है, इन ऑल C3 प्लांट इन ऑल C4 प्लांट, यानी केल्विन साइकिल C3 में कहां होती है और केल्विन साइकिल C4 में कहां होती है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने अभी बताया था आपको कि अगर C3 प्लांट है तो वहां पर रूबिस्को की प्रेजेंस में मीसोफिल के अंदर केल्विन साइकिल कंप्लीट होगी, जबकि C4 प्लांट में हमेशा C3 साइकिल इन C4 प्लांट कंप्लीटेड इन द बंडल ऑफ सीड सेल्स। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? अब पहले में मीजो आना चाहिए, दूसरे में बंडल ऑफ सीड सेल आना चाहिए। मीजोफिल सेल्स, मीजोफिल सेल्स नहीं होगा, बंडल सीड सेल्स होगा ही नहीं। मीजोफिल सेल्स, बंडल ऑफ सीड सेल, आंख बंद करके लगाइए बेटा इसका। इसका सही आंसर आएगा सी। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करें, अगर क्वेश्चन नंबर थर्ड में पूछा क्या जा रहा है पहले ये देखो। देखिए ये दो सेल बनी है, ऊपर वाली सेल्स और नीचे वाली सेल्स, इनको पहचानना है कि इनमें से कौन सी कोशिका क्या है। देखो सीधी सी बात है कि जब दो प्रकार दो सेल एक साथ कंपोज होकर आती है तो हमेशा ध्यान रखो कि ये क्या है, तो ये हमेशा C4 साइकिल है। ये क्या होगा, C4 साइकिल होगी राइट। और अगर C4 साइकिल होगी तो हमेशा ऊपर वाली सेल क्या होती है, मीसोफिल होती है, और नीचे वाली सेल क्या होती है, बंडल ऑफ सीड सेल होती है। हमेशा ध्यान रखो। तो सही आंसर बेटा इसका क्या आ जाएगा, ए में होना चाहिए मीसोफिल सेल्स और सेकंड में होना चाहिए बंडल ऑफ सीड सेल्स। सही आंसर इसका फिर वही हो जाएगा क्या, सी। सही आंसर क्या बेटा, सी। हमेशा ऊपर वाली सेल्स जो होती है मीसोफिल सेल्स, क्योंकि C4 में कार्बन का फिक्सन स्टार्ट होता है कहां से, बंडल ऑफ सीड सेल्स, पेप्टिडेज एंजाइम की प्रेजेंस में ऑक्सलो एसिटिक एसिड के बनने के साथ, और समाप्त होता है बंडल ऑफ सीड सेल्स में रूबेस्को की प्रेजेंस में C3 साइकिल के द्वारा स्टार्च फॉर्मेशन के साथ। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की।
ऑक्सीनो एसिटिक एसिड फॉर्म अदर फोर कार्बन एसिड विच आर ट्रांसपोर्टेड दे आर C4 चक्र के अंतर्गत एक चार कार्बन परमाणु वाला पदार्थ ऑक्सेलो एसिटिक एसिड के साथ साथ और बनता है, वो क्या है? मैलिक एसिड एंड ऑक्सेलिक एसिड, मैलिक एसिड एंड एस्पार्टिक एसिड, सक्सिनिक एसिड एंड एस्पार्टिक एसिड, सक्सिनिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड। जल्दी से बताइए आंसर, एकदम इजी, पेज नंबर 218 इजी मॉड का क्वेश्चन, जल्दी से बताएं बेटा। आंसर दीजिए, इसका सही आंसर बेटा आएगा मैलिक एसिड एंड एस्पार्टिक एसिड, क्योंकि आपको बताया गया था कि पीईपी यानी फॉस्फेनॉल पाइरुविक एसिड प्लस CO2 टेपकेस, इसके बाद बनो ऑक्सेलो एसिटिक एसिड, ऑक्सेलो एसिटिक एसिड मैलिक एसिड एंड एस्पार्टिक एसिड में बदल जाता है। अब ये एस्पार्टिक एसिड जो है ये जाता है कहां पे? ये जाता है बंडल ऑफ सीड सेल में, और बंडल ऑफ सीड सेल में जाकर के फिर इसका डीकार्बोक्सिलेशन होता है, जहां पर CO2 चेंज होती है या मुक्त होती है, और ये C3 साइकिल में प्रवेश करके स्टार्च बनाती है। क्लियर हो गई सारी बात? बात को आगे बढ़ाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, बंडल सीड सेल्स आर प्रेजेंट इन डैश अराउंड डैश C4 प्लांट्स वैस्कुलर बंडल, C3 प्लांट वैस्कुलर बंडल, बोथ ऑफ दिस नन ऑफ दिस। बहुत ही इजी क्वेश्चन, जल्दी से जवाब दीजिए बेटा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपने आंसर को टाइप करें, जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपने आंसर को टाइप करें। लोकेशन पूछी जा रही बंडल ऑफ सीड सेल्स की। देखो बंडल ऑफ सीड सेल की अगर बात करें तो आपको एक छोटा सा चित्र बना के मैं दिखाता हूं, क्रेंज एनाटॉमी, मैंने कहा था क्रेंज एनाटॉमी, क्रेंज एनाटॉमी फाउंड इन द, क्रेंज एनाटॉमी फाउंड इन द C4 प्लांट। तो पहला आंसर हो जाएगा, क्योंकि C4 इसके अलावा कहीं है नहीं, अराउंड द वैस्कुलर बंडल। ये क्या है? ये वैस्कुलर बंडल है, ये वैस्कुलर बंडल है, और यहां पर बेटा अगर आप देखोगे तो ये है बंडल ऑफ सीड सेल। यहां पर क्या है? ये बंडल ऑफ सीड सेल्स, ये वैस्कुलर बंडल के चारों तरफ पाई जाती है। दोबारा से क्वेश्चन पर फोकस करो, बंडल ऑफ सी सेल्स आर प्रेजेंट, बंडल ऑफ सी सेल्स आर प्रेजेंट अराउंड, कहां पे पाई जा रही? C4 प्लांट्स में और वैस्कुलर बंडल के चारों तरफ। आंसर क्या आएगा इसका? इसका आंसर आएगा बेटा पहला। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, देखो क्वेश्चन बड़ा देख करके घबराना नहीं है, बात को समझना होता है। C4 प्लांट लैग केल्विन साइकिल, C4 प्लांट लैग फोटोरिस्पायरेशन, C4 प्लांट हैव मोर प्रोडक्टिविटी देन C3 प्लांट, C4 प्लांट कैन नॉट टॉलरेट हायर टेम्परेचर, हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कितने हैं? 0, 1, 2 और 3। दोबारा से सुन लें,
C4 पौधों में केल्विन साइकिल नहीं पाई जाती, पाई जाती कि नहीं पाई जाती डिसाइड करो, नहीं पाई जाती कि पाई जाती। देखो मैंने कहा था C3 साइकिल सभी में पाई जाती, C4 हो या C3। तो पहला स्टेटमेंट क्या हुआ, गलत हो गया। क्या कह रहा, C4 प्लांट लैक केल्विन साइकिल, जबकि बंडल ऑफ सी सेल में केल्विन साइकिल चलती है। C4 प्लांट लैक फोटो रिस्पिरेशन, ये बात सही है, क्योंकि फोटो रिस्पिरेशन इज एन वेस्टफुल प्रोसेस ओनली फाउंड इन द C3 प्लांट विद प्रेजेंस ऑफ रूबिस्को। जब रूबिस्को ऑक्सीजनेस की तरह एक्ट करता है उस समय ऑक्सीजन की कुछ मात्रा रूबिस्को के साथ जुड़ जाती है और CO2 का लॉस माइटोकांड्रिया में होता है। तो C4 पौधों में फोटो रिस्पिरेशन नहीं होता, चूंकि मेसोफिल सेल्स में पेपकेज होता है, रूबिस्को नहीं होता है। C4 प्लांट है मोर प्रोडक्टिविटी, बिल्कुल सही है, क्यों, चूंकि इनमें CO2 का लॉस नहीं होता है इसलिए इनमें प्रोडक्टिविटी C3 की तुलना में अधिक होती है। तीसरी बात, C4 प्लांट कैन नॉट टॉलरेट हायर टेम्परेचर, यह गलत है। C4 प्लांट कैन टॉलरेट हायर टेम्परेचर एंड एसिडिटी, ये सही था। हाउ मेनी द अबव स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, कितने इनकरेक्ट आ रहे, दो। आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी। क्लियर हो गई बात, क्वेश्चन नंबर 7 की अगर बात करें, C4 प्लांट आर एडाप्टेशन ऑफ प्लांट टू वेट रीजन, पोलर रीजन, ड्राई ट्रॉपिकल रीजन, मोस्ट रेन फॉरेस्ट। C4 पौधे मुख्य रूप से अनुकूलित होते हैं, जहां पर अधिक वर्षा होती वहां पर पाए जाते हैं, ध्रुवी भागों पर पाए जाते हैं, शुष्क स्थानों पर ड्राई ट्रॉपिकल रीजन या मोस्ट रेन फॉरेस्ट नम सदाबहार वन या वर्षा युक्त वनों में पाए जाते हैं। NCERT की लाइन ध्यान दीजिए, सबसे पहले यही लिखा हुआ है कि C4 प्लांट मेनली अकर्स और एडॉप्टेड इंटर ट्रॉपिकल एंड ड्राई रीजन या ड्राई एंड ट्रॉपिकल रीजन। आंसर क्या आएगा बेटा, सी। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, बहुत ही इजी क्वेश्चन है आज और जवाब देना चाहिए, आप लोग जवाब नहीं देते हो। लाइट सैचुरेशन अकर एट अ फुल सनलाइट, NCERT की लाइन है, जल्दी से बताइए। आने वाली कुल प्रकाश में से कितने प्रतिशत प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण के लिए संतृप्तता हो जाती है, 5% में, 10% में, 20% में, 40% में, जल्दी से बोलो बेटा कितने में हो जाएगी। सही आंसर क्या है, क्वेश्चन लर्निंग है, 10%। यहां पे क्या हो जाएगा, आप बुक उठा के देखिए, यहां पे लिखा हुआ है लाइट सैचुरेशन अकर एट 10% ऑफ फुल सनलाइट, और इसीलिए छायादार वृक्षों के अलावा कभी कभार ही प्रकाश एक लिमिटिंग फैक्टर के रूप में काम करता है, यह भी आगे लिखा हुआ वहीं पे। चलिए बात करते हैं लाइन टू लाइन NCERT की, क्वेश्चन नंबर 9, Which of the following true? इनमें से कौन सा सही है, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, NCERT की लाइन होगी, थोड़ा सा कहीं मिस्टेक होगा, पहचानिए। CO2 इज अ मेटल मेजर लिमिटिंग फैक्टर फॉर फोटोसिंथेसिस इन नेचर,
प्रकट में प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड एक मुख्य सीमाकारी कारक है। दूसरा, लाइट इज रियली अ लिमिटिंग फैक्टर फॉर फोटोसिंथेसिस इन नेचर। प्रकाश कभी कभार ही प्रकाश संश्लेषण के लिए सीमाकारी कारक होता है। दोनों सही है, इनमें से कोई सही नहीं है। बोथ ऑफ दिस नॉन ऑफ दिस। जल्दी से आंसर टाइप करो बेटा, जल्दी से आंसर टाइप करो बेटा। बेटा ये दोनों सेंटेंस सही है, आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी। देखो CO2 दोनों एनसीईआरटी की लाइनें थी। CO2 इज अ मेजर लिमिटिंग फैक्टर फॉर द फोटोसिंथेसिस इन नेचर, ये मैंने बताया, और ये पहली लाइन ही लिखी हुई है जहां पर CO2 के बारे में बात की गई। पेज नंबर 223 देखें आप। इसके अलावा लाइट इज रेयरली लिमिटिंग फैक्टर फॉर द फोटोसिंथेसिस इन नेचर, इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया कि आने वाले सूर्य के प्रकाश का केवल कुछ हिस्सा यानी 10% पार्ट में ही यह सेचुरेट हो जाता है फोटोसिंथेसिस। तो केवल कुछ स्थानों को छोड़कर बाकी जगह कभी भी प्रकाश सीमाकारी प्रभाव नहीं दिखाता है। क्लियर हुआ? चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। फटाफट वाला सीन रखो। द मोस्ट क्रूशियल क्वेश्चन नंबर 10। द मोस्ट क्रूशियल स्टेप ऑफ केल्विन साइकिल इज कार्बोनेशन, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन, रीजनरेशन। जल्दी से बताइए। केल्विन साइकिल के लिए अति आवश्यक प्रक्रम कौन सा है, इनमें से कौन सा है बेटा? देखो पूरा जो मतलब जो डार्क रिएक्शन होती है उसका जो सबसे मेन स्टेप है वो कार्बन का जुड़ना। क्योंकि कार्बन अगर नहीं जुड़ेगी तो कभी भी स्टार्च नहीं बनेगा। चलो हिंट्स किया, अब आंसर टाइप करो। सही आंसर क्या आएगा बेटा इसका? कार्बोक्सिलेशन। क्लियर हो गई बात? चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। द थ्री स्टेप इन केल्विन साइकिल आर, कौन कौन से तीन स्टेप होते हैं इसे मत देखो। ये केल्विन साइकिल बनी हुई है, दिमाग में बनाओ केल्विन साइकिल। C3 पौधों में कार्बन स्थिरीकरण के तीन प्रमुख चरण कौन से होते हैं? पहला ऑप्शन कार्बोक्सिलेशन, ऑक्सीडेशन, रीजनरेशन। रिडक्शन, कार्बोक्सिलेशन, रीजनरेशन। कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन, रीजनरेशन। कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन, कार्बोनेशन, रिडक्शन और रीजनरेशन। जल्दी से बताइए। देखो तीन स्टेप आपको बताए गए थे। पहला स्टेप इसका था कार्बोक्सिलेशन, जिसमें CO2 को RuBP के साथ जोड़ा गया और क्या बना था? 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। दूसरा था रिडक्शन, जिसमें 2 ATP प्लस 2 NADP2H आकर के लाइट रिएक्शन से जुड़े। ये क्या था? रिडक्शन। इससे क्या बना? इससे बना था ट्राइओस फास्फेट। अब इस ट्राइओस फास्फेट से एक पाथ से स्टार्च बना था और दूसरे पाथ से फिर बना था क्या? फिर क्या बना था?
आर यू बी पी बना था कि नहीं बना था, तो तीन स्टेप हो गए। पहला हो गया कार्बोक्सिलेशन, पहला स्टेप कार्बोक्सिलेशन, ये वाली रिएक्शन क्या है रिडक्शन, और ये वाली रिएक्शन क्या है रीजनरेशन। ये वाली रिएक्शन हो गई रीजनरेशन। सटीक आंसर क्या आएगा सी कार्बोक्सिलेशन रिडक्शन रीजनरेशन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। द केल्विन साइकिल स्टार्ट विद एंड्स विद रुबिस्को रीजनरेशन ऑफ रुबिस्को, आर यू बी पी रीजनरेशन ऑफ रुबिस्को, आर यू बी पी रीजनरेशन ऑफ आर यू बी पी, पीजीए रीजनरेशन ऑफ पीजीए। जल्दी से बताइए जल्दी से बताइए। सही आंसर बेटा इसका सी है। देखो ये कह क्या रहा है, आर यू बी पी से स्टार्ट होती है, थ्री पीजीए बनाती है, थ्री पीजीए के बाद ट्रायोस फॉस्फेट बनता है और फिर से आर यू बी पी बन जाता है। तो आर यू बी पी फिर रीजनरेशन के द्वारा दोबारा से फिर आर यू बी पी बना लेती है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर किसकी 13 की। देखो यहां पर स्टेटमेंट वाला है ए इन CO2 फिक्शन साइकिल द मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी यूज्ड इज मोर देन NADPH यूज्ड। स्टेटमेंट बी टू मीट द डिफरेंस इन नंबर ऑफ एटीपी एंड NADPH यूज्ड इन डार्क रिएक्शन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन टेक प्लेस, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ए इज करेक्ट बट बी इज रॉन्ग, बी इज करेक्ट बट ए इज रॉन्ग, ए एंड बी आर करेक्ट एंड ए एक्सप्लेन बी। जल्दी से बताओ। देखो अगर आपको हिंदी नहीं आ रही मैं दोबारा बताता हूं। स्टेटमेंट कथन ए क्या कह रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड के स्थिरीकरण चक्र के दौरान एटीपी की मात्रा NADP2H से ज्यादा प्रयुक्त होती है। दूसरा सेंटेंस टू मीट द डिफरेंस इन नंबर ऑफ एटीपी एंड NADPH यूज्ड इन डार्क रिएक्शन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन टेक प्लेस। NADP2H और एटीपी का यह अंतर साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के द्वारा पूरा किया जाता है। जल्दी से बोलो। देखो ऊपर वाली बात तो 100% सही है। अगर C3 की बात करो तो इसमें 3 ATP लगते हैं टोटल साइकिल में और 2 NADP2H लगते हैं। C4 की बात करो तो टोटल ATP लगते हैं 5 एक CO2 को फिक्स करने में और ठीक है टोटल कितने लगते हैं 5। और अगर NADP की बात करो तो यहां भी 2 NADP2H ही लगते हैं तो बिल्कुल सही बात हो गई। तो इसका मतलब इसका सही आंसर क्या है A एंड B बोथ आर द करेक्ट, दोनों बातें सही हैं और एज एक्सप्लेन्स फॉर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। रीजनरेशन ऑफ डैश टेक प्लेस एट Regeneration of
टेक प्लेस एट एक्सपेंस ऑफ एटीपी एनएडीपी 2H। अभी अभी बताया था मैंने थोड़ी देर पहले, जल्दी से बताइए बेटा। रीजनरेशन में आवश्यकता होती है, जल्दी बताओ। रीजनरेशन के लिए कितने एटीपी की आवश्यकता होती है, जल्दी बोलो, और कितने एनएडीपी 2H की आवश्यकता होती है, जल्दी बोलो। देखो रीजनरेशन में कई रूबिस्कों की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका एंजाइम होगा तो ये दोनों तो होने नहीं है। अब बचा ये, तो यहां पर अगर हम बात करेंगे तो ये हो गया रीजनरेशन ऑफ RUBP। ये देखो इसका मतलब समझो क्या कह रहा है, ये कह रहा है रीजनरेशन ऑफ RUBP टेक प्लेस एट एक्सपेंस ऑफ वन ATP एंड 0 NADP 2H। ये आंसर होगा इसका। रीजनरेशन ऑफ RUBP टेक प्लेस एट एक्सपेंस ऑफ 1 ATP एंड 0 NADP 2H। अब देखो RUBP किसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, A किसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, 0 किसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है। आंसर क्या हो जाएगा बेटा इसका, B। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की। फॉर फॉर्मेशन ऑफ वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल हाउ मेनी टर्न ऑफ केल्विन साइकिल इज नीडेड। एक ग्लूकोज के अणु को बनाने के लिए कितने केल्विन चक्र को चलना होगा, सबसे इजी सवाल आज का, जल्दी से बताइए आंसर, टाइप करिए फटाफट। 3, 1, 2, 6, जल्दी से बोलो। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि C6H12O6 को बनाने के लिए कितने टर्न, कितनी बार केल्विन साइकिल चलेगा, हाउ मेनी टाइम्स केल्विन साइकिल रिक्वायर्ड फॉर द फिक्शन ऑफ वन मॉलिक्यूल ग्लूकोज, जल्दी बोलो। इसमें देखो क्या है, इसमें कार्बन कितने हैं, इसमें कार्बन कितने हैं, 6, और एक केल्विन साइकिल फिक्स्ड 1 CO2, तो एक कार्बन को एक बार में, तो इसमें कितने हैं, इसमें 6 कार्बन फिक्स हो रहे हैं, तो कितने टर्न लगेंगे, 6 CO2 लग रहे हैं ना, तो कितने टर्न चलेगा, 6 टर्न चलेगा। आंसर क्या आएगा, 6। एक ग्लूकोज के अणु को बनाने के लिए 6 बार केल्विन साइकिल को चलना पड़ेगा, क्योंकि एक केल्विन साइकिल में केवल 1 CO2 फिक्स होता है, 1 कार्बन फिक्स होता है। क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, रिडक्शन इन्वॉल्व यूज ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ NADP टू रिड्यूस फिक्स CO2। केल्विन चक्र के रिडक्शन के दौरान, चलिए इसमें केल्विन चक्र नहीं दिया है, केवल रिडक्शन दिया, रिडक्शन के दौरान NADP 2H की आवश्यकता कितनी, कितने NADP 2H की आवश्यकता पड़ती है कार्बन को फिक्स करने के लिए, जल्दी से बोलो। अभी बता चुका हूं मैं, मैंने अभी बताया था आपको कि 2 ATP प्लस 2 NADP 2H बोला था, आंसर क्या आ जाएगा, B। कितने, एक रिडक्शन के दौरान 2 NADP 2H की आवश्यकता पड़ेगी। क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर।
रुबिस्को हैज द एक्टिविटी ऑफ कार्बोक्सिलेशन ऑक्सीजनेशन ऑक्सीडेशन नन ऑफ दीज। जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो, होश में बोलना, स्लोअर बॉल है, जल्दी से बोलो। सही आंसर क्या इसका आएगा? ऑक्सीजनेशन। क्योंकि आपको धोखा क्या पड़ रहा है, ये कार्बोनेशन लिखा, कार्बोक्सिलेशन नहीं लिखा। अगर कार्बोक्सिलेशन लिखा होता तो दोनों हो जाते, क्योंकि रुबिस्को रिबुलोज बाई फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस। अब कार्बोक्सिलेशन तो कर ही नहीं रहा, ये कार्बोनेशन लिखा हुआ है, ये कार्बोक्सिलेशन नहीं है, तो फिर ऑक्सीजनेशन हो जाएगा। आंसर क्लियर हुआ? यही यहां पर मैंने कहा था कि स्लोअर बॉल है, आउट हो सकते हो, ध्यान रखना। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। फॉर अ थ्री कार्बन कंपाउंड टू बी फॉर्म आफ्टर CO2 फिक्शन द एक्सेप्टर मॉलिक्यूल इज ऑफ टू कार्बन थ्री कार्बन फोर कार्बन फाइव कार्बन। एक तीन कार्बन युक्त रासायनिक पदार्थ बनता है कार्बन डाइऑक्साइड के स्थिरीकरण के बाद, लेकिन इसमें कार्बन को सबसे पहले एक्सेप्ट कौन करता है? जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो। देखो क्या था कि आर यू बी पी प्लस सीओ टू, तो एक्सेप्टर कौन हो गया? आर यू बी पी हुआ कि नहीं? और आर यू बी पी क्या है? लिखा हुआ है रिबुलोज 1.5 बाई फॉस्फेट, ये 5 कार्बन कीटो सुगर है, ये 5 कार्बन कीटो सुगर होती है। क्लियर हो गया? चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो ऑक्सिलो एसिटिक एसिड एंड फॉस्फोग्लिसरिक एसिड स्टैंड फॉर थ्री फॉस्फोग्लिसरिक एसिड एंड ऑक्सिलिस एसिटिक एसिड रिस्पेक्टिवली, थ्री पेप्टाइडो ग्लूटारिक एसिड एंड ऑक्सिलिक ऑक्सिलो एसिटिक एसिड रिस्पेक्टिवली, थ्री फॉस्फोग्लूटामिक एसिड एंड ऑक्सिलिक एसिटिक एसिड रिस्पेक्टिवली, none of these। इनमें से कोई नहीं होगा। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 20 की। केल्विन डिस्कवर दैट फर्स्ट CO2 फिक्शन प्रोडक्ट इज, कार्बन स्थिरीकरण के बाद केल्विन ने सबसे पहला स्थिर उत्पाद पाया, थ्री कार्बन ऑर्गेनिक एसिड, थ्री कार्बन ऑर्गेनिक एसिड, फोर कार्बन ऑर्गेनिक एसिड, फाइव कार्बन ऑर्गेनिक एसिड, सिक्स कार्बन ऑर्गेनिक एसिड। क्या था बेटा? जल्दी से बोलो, थ्री फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, जो कि एक थ्री कार्बन कंपाउंड होता है। तो बच्चों आज का टेस्ट यहां पर समाप्त हुआ। आशा करते हैं कि आपके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन राइट हुए होंगे, क्योंकि आज का पेपर बिल्कुल इजी था। फिर मिलते हैं कल एक नए पेपर के साथ, और अब इस चैप्टर को यहीं पे क्लोज किया जाएगा। अगला चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे डिस्प्रेशन इम्प्लांट। बाय बाय बच्चों।